हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सुप्रभात। आप सब अच्छे रहें, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना और कामना है। इसी कामना के साथ हम आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमारे 7th क्लास के चैप्टर नंबर 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 2 को पढ़ा था। आज हम पार्ट 3 को पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमने आग्नेश चट्टानों की आंतरिक संरचना कैसी होती है इसके बारे में बात की थी। आज हम शैलों की बात करेंगे। शैल जो होते हैं उनको हम चट्टान भी कहते हैं और वो खनिजों के मिश्रण होते हैं। मीन्स चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना हुआ पदार्थ होता है। ढेर सारे खनिजों को हम जब इकट्ठा कर देंगे तो उनका जो मिश्रण बनेगा वो पदार्थ हमारा शैल या चट्टान कहलाएगा। हमारी शैल विभिन्न आकृति, रंगों और आकारों के होती हैं। तरह तरह के उनके रंग होते हैं, विभिन्न प्रकार के उनके आकार होते हैं और विभिन्न प्रकार की उनकी आकृतियाँ होती हैं, जिनको कि हम शैल कहते हैं। ये जो शैल होती हैं वो पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। आपने बचपन में अपने स्लेट का प्रयोग किया है, वो भी एक प्रकार की शैल थी। या आपकी मम्मी आपके किचन में सिल और बट्टे का प्रयोग करती हैं, वो भी पत्थर जो है वो एक प्रकार की चट्टान या शैल ही है। अब हम बात करेंगे शैलों के प्रकार। हमारी जो शैल हैं वो 3 तरह की होती हैं। आग्नेय शैल पहली, दूसरी अवसादी शैल और तीसरी रूपांतरित। अब हम आग्नेय शैल की बात करेंगे। आग्नेय शैल इग्नस से निकल कर आया है। इग्नस का अर्थ होता है आग। आग्नेय शैल हमारी धरातल के नीचे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने पढ़ी थी, जो तरल पदार्थ में था, उस पदार्थ के बाहर आने से बनती हैं। ठीक है, मीन्स आग्नेय शैल जो धरातल के नीचे तरल पदार्थ हैं, जब वो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आते हैं और पृथ्वी पर निकलकर ठंडे होकर जम जाते हैं, तो हम उससे जो बनता है उसको आग्नेय शैल कहते हैं। इस प्रकार आग्नेय शैल धरातल के नीचे स्थित तरल पदार्थों, जिसको कि हम मैग्मा कहते हैं, बाहर आकर ठंडा होने के जमने से बनती हैं। जब वो तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तो वो मैग्मा कहलाता है, और जब वो तरल पदार्थ बाहर आ जाता है और सतह पर निकलने लगता है तब हम उसको लावा कहते हैं। तो इस प्रकार लावा के ठंडे होकर जमने से हमारे आग्नेय शैलों की रचना होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है अवसादी शैल। अवसादी शैल अपक्षय और अपरदन, मीन्स चट्टानों के टूटने फूटने और इधर से उधर जाने के द्वारा, फिर उनके एक स्थान पर जमा होने से परतों के रूप में निर्मित होती हैं। इनको हम अवसादी शैल कहते हैं। चट्टानों का ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हवा यानी वायु या पवन और नदी और हिमानियों के द्वारा होता है। हिमानी मतलब बर्फ़ की नदियाँ, और नदी मीन्स नॉर्मल नदी जो आपने देखी हुई होती है, पानी की नदियाँ। इनके द्वारा जब कोई चट्टान टुकड़ा या चूर्ण किसी प्रकार का एक जगह से दूसरी जगह ले जा कर के जब जमा किया जाता है, तो वो परत दर परत एक दूसरे के ऊपर जमता चला जाता है, और इस परत के रूप में हमारी अवसादी शैलों की संरचना होती है। इसीलिए इनको हम परतदार शैल भी कहते हैं। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारी जो आग्नेय शैल थी वो सबसे पहली चट्टानें हैं, इसलिए उनको हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। यानी कि हमारी आग्नेय चट्टानों से ही बाकी दूसरी चट्टानों की संरचना होती है, चाहे वो अवसादी हों या फिर रूपांतरित हों। अब थर्ड है रूपांतरित शैल या परिवर्तित शैल। इनको हम परिवर्तित भी कहते हैं क्योंकि ये अपना रूप बदल लेती हैं। अब कोई भी चट्टान है, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी हो, जब उसके ताप और दाब में किसी भी रासायनिक क्रिया के कारण कोई भी परिवर्तन होता है, तो वो आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान अपना रूप बदल लेती है, और उस बदले हुए रूप को हम रूपांतरित चट्टान, परिवर्तित चट्टान या
कायांत्रित चट्टान भी कहते हैं, जिसका कायाकल्प हो गया हो, यानी उसकी काया बदल गई हो। जैसे हमारी कच्ची मिट्टी है, जब वो कच्ची होती है, मिट्टी होती है, तो उसका रूप दूसरा होता है। फिर हम उसको सांचे में डालते हैं, उसका आकार बदलते हैं, उसको ताप दाब दे करके हम उसमें फिट करते हैं, उस सांचे में दबा दबा के, और उसके बाद उसको हम आग में पका करके मिट्टी को ईंट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो उसका ताप और दाब दोनों बदलता है मिट्टी का, जिसकी वजह से वो ईंट कच्ची मिट्टी से बदल कर ईंट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इनको हम रूपांतरित शैल भी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपका ताजमहल है, हमारा संगमरमर, जिससे कि वो ताजमहल बना हुआ है। तो ये आपकी तीन प्रकार की चट्टानें हो गई, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इनमें और क्या खासियत है या इनकी क्या और विशेषताएं हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये हमारी तीन तरह की चट्टानें हैं बच्चों। ये हमारी पहली चट्टान है, ये वाली आग्नेय चट्टान है, ये ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए इसका रंग देखिए आपको काला दिख रहा है। ये हमारी सेकेंड चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है, ये परत दर परत जमा होकर के बनी हुई है। और हमारी थर्ड रूपांतरित चट्टान, जो कि ताप और दाब में परिवर्तन के कारण बनी हुई है। ये हमारी तीन तरह की चट्टानें हो गई, तीनों आपने देख ली। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।